नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। दबंगों के कब्जे से परेशान होकर महिलाएं पहुंची कलेक्ट्रेट। रायसेन जिले के चांदपुर गांव से करीबन 50 महिलाओं का समूह कलेक्ट्रेट पहुंचा। उनकी शिकायत ये थी कि दबंगों ने कब्जा कर लिया है और गाँव का रास्ता बंद कर दिया है। वे कई दिनों से परेशान है, आवेदन भी दिए लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। जन सुनवाई में पहुंची महिलाएं काफी आक्रोशित दिखी। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। दबंगों ने कर लिया है रास्ते पे कब्जा और गांव वाले हैं परेशान। अपनी व्यथा लेकर आए थे कल कलेक्ट्रेट। करीबन उसमें 50 महिलाएं थी, जिनका कहना यह था कि कुछ दबंगों द्वारा रास्ते पे कब्जा कर लिया गया है। तहसीलदार उनका सीमांकन करा नहीं रहा है, वह लगातार चक्कर लगा रही है लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कुछ बच्चियां भी थी जो कॉलेज में या स्कूल में पढ़ती हैं, उनका कहना था कि उनका अब निकलना मुश्किल हो रहा है। महिलाओं ने कहा कि लगातार हम चक्कर लगा रहे हैं लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब देखना यह है कि प्रशासन उनकी सुध कब तक लेता है। मैं आवाज न्यूज से राकेश जैन। साहब, हमारे भाई की हमारी जमीन है, हमें कोई परेशानी है, निकलन नहीं दे रहा, जमीन छोड़ा है, ना बहन बेटी निकलन दे रहा है, ना जमीन ना अपन दे रहे हैं, ना बिना जमीन पटवारी ये होते तहसीलदार फोन करके बुला रहे। ऐसे कितने लोग जो निकल नहीं पा रहे हैं? हम सब 50 आदमी है, घर में निकल नहीं पा रहे। क्या कहते हैं वो? लटले खड़े हो जाते हैं, बंदी पड़ा लेते हैं, सब नंबर दो काम करते हैं, जीव भरा भरा के जाती है दीदी सास मानने के लिए। कौन से गांव का मामला है ये? चांदपुर टपरा टोला। सरपंच से शिकायत की आपने? क्या नाम है सरपंच का? क्या बोले वो? ऐसा ही होगा, कुछ नहीं होगा। तुम्हारा आप लोग मामला में सुन गया, तुम कछु करा हम कोई मतलब नहीं है, मुझे के तुम तुम्हारे घर का आम सामने काम करो, कला में हर कुछ नहीं कर सकते आप, आप लोग काम जानो। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी भाई। यही समस्या है सर, हमारी जमीन है, हमको निकलने नहीं दे रहे, ना नफ्ती होने दे रहे, और ऊपर से हम हिटते हैं ओढ़ते हैं ना बच्चे, तो वो मारने को खड़े हो जाते हैं, धमकी देते हैं कि हम नहीं निकलने देंगे तो मार के फेंक देंगे। हमारी जमीन है तो हमारी नकदी होने के नहीं दे रहे थे। कौन से गांव का मामला है? टपरा टोला चांदपुर। कौन है जो आपको निकलने नहीं दे रहे हैं? भत्तू है, मलखान है, जीवन लाल है। आपने शिकायत की इससे पहले कहीं? हाँ सर, 2-3 बार शिकायत की, आवेदन हमारे पास। कहाँ पे कर चुकी हैं आप शिकायत? यहीं पे कर चुके हैं। अच्छा, क्या जवाब मिला आपको? अभी कह रहे हैं हम करवा देंगे लेकिन कोई जवाब नहीं है। हम और तो ना बच्चे सब आए हैं, इसलिए मतलब होने नहीं दे रहे। क्या नाम है आपका?